बहुत बहुत धन्यवाद सिवान एक्सप्रेस से बात करने के लिए। मैं बहड़िया प्रखंड के मुखिया नसीम अख्तर से बात करूंगा कि ये अल्ताफ सिवानी लगातार 4 सालों से मैच कराते आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले चैन छपरा के नौजवानों को, बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस हमेशा लगातार 3 वर्षों से कराया जा रहा है इस क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर के हर नौजवान को, हर गली मोहल्ले, हर प्रखंड, जिला, राज्य, देश के सभी नौजवानों का हम इस्तकबाल करते हैं कि देश के सेवा करने के लिए हर तरह का भावना नहीं चाहिए, देश के हित में काम करने के लिए खेल हो, पढ़ाई हो, ऐसे चीज़ें हैं कि जो कि हमें करना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि खेल ऐसी चीज़ है कि मानवता इंसानियत को जोड़ने का काम जो करती है, ऐसा ही हम लोगों को भाईचारगी बनाए रहे, बस यही मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना है। अभी मैं आपसे फिर एक बार बात करना चाहूँगा, जो अल्ताफ सिवानी जो हैं चैन छपरा गाँव में लगातार 4 सालों से ये टूर्नामेंट चला रहे हैं, क्या उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आगे किस तरह का मैच कराएं कि और आगे बढ़ते जाएं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अल्ताफ सिवानी को मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। जे अल्ताफ सिवानी जो बढ़िया और चैन छपरा ही नहीं, पूरे बढ़िया के नौजवानों के प्रति जो इसके मन में जज्बा है कि खेल के माध्यम से बच्चे आगे बढ़ें, चैन छपरा आगे बढ़े और बढ़िया का नाम रोशन हो, यह अपेक्षा है। धन्यवाद। और मैं अभी बात करूंगा, इतने तेज़ धूप है और धूप में एम्पायरिंग कराने के लिए राजेश सर यहाँ अवेलेबल उपस्थित हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा, इतना तेज़ धूप में आज आपको एम्पायरिंग करानी है और इतने सारे पब्लिक हैं और तेज़ धूप और गर्मी है, और राजेश सर इसके बारे में अल्ताफ सिवानी लगातार 4 साल से ये मैच कराते आ रहे हैं और आपने बखूबी देखते होंगे इस मैच में कि अल्ताफ सिवानी कितने मेहनत करके इस मैच को कराते हैं, इस मैच और टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कड़ी धूप में भी इतनी मेहनत और शिद्दत के साथ टूर्नामेंट कराने में लगा हुआ है। और जहाँ तक खेल की बात है तो खेल में कोई धूप की बात नहीं होती है, और हम जब बीच फील्ड में उतरते हैं तो सिर्फ खेल पे ध्यान होता है और धूप की बात नहीं होती है। और अल्ताफ सिवानी के द्वारा जो टूर्नामेंट चलाया जा रहा है पिछले 4 सालों से, और काफ़ी मेहनती लड़का है और काफ़ी अच्छा जो है और मैसेज आता है समाज में, और खेल जो है सौहार्द का प्रतीक होता है, खेल जोड़ने का काम करता है, खेल से केवल शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सभी जो है चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि एक अंपायर होने के नाते कि खेल होता रहे और इस तरह का आयोजन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान एक्सप्रेस से बात करने के लिए भी मैं बात करूंगा सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश यादव जी से। आप अल्ताफ सिवानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लगातार 4 सालों से ये मैच कराते आ रहे हैं, तो अल्ताफ सिवानी के बारे में क्या आपका ख्याल है कि वो आगे किस तरह का तरक्की करें इस मैच को कराते हुए? छोटा बच्चा था, हमने देखा कि छोटा बच्चा है, प्रयास कर रहा है, तो हम लोग भी सहयोग किए और पूरी प्रशासन, सामाजिक स्तर के लोगों ने इस मैच को लगातार कराने में उनका प्रयास रहा है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे क्षेत्र से एक छोटा बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग सहयोग करते हैं वो आगे बढ़े और जितना भी हो सके हम अपने और हमारे समाज और सामाजिक स्तर के लोग, प्रशासन के लोग, जनप्रतिनिधि, सब लोग मिलकर के उसका सहयोग करते हैं, जहाँ तो हो सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिवान एक्सप्रेस से बात करने के लिए। और जहाँ मैच होने वाला है यहाँ का आप पिच का मुआयना बखूबी कर सकते हैं कि यहाँ कितनी तेज़ धूप और इस पिच पर मैच होने वाला है, और यहाँ पर टीमें भी कुछ देर में खेलने वाली हैं और आप देख सकते हैं कितना तेज़ धूप और यहाँ पर मैच उपस्थित हुआ। सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन से बात करने के लिए मैं रिपोर्टर जावेद खान।